सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल द मूवी नाइट। और आज मैं बात करने वाला हूँ अमेजोन प्राइम की सुपर हिट सीरीज मिर्जापुर के बारे में, जिसके सीजन 2 के एंड को देखकर ये तो पक्का हो गया है कि सीजन 3 भी आएगा। तो अब सीजन 3 को लेकर कई सारे क्रेजी थ्योरीज निकल के आए हैं, जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शरद शुक्ला का प्लान। तो सीजन 2 के एंड में शरद के पास पूरा मौका था त्रिपाठियों को एलिमिनेट करने का, और अगर वो चाहता तो अपने बाप रति शुक्ला का रिवेंज ले सकता था। लेकिन गुड्डू और गोलू के प्रेजेंस से उसको एक मौका दिखा, और मुन्ना की अमरता खत्म होते देख उसने कालीन भैया को बचाने का सोचा, ताकि वो कालीन भैया के साथ एक स्ट्रांग अलायंस बना सके और अपनी लॉयल्टी प्रूफ करके एक स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल बेटा बने, जो कि कालीन भैया का कभी था नहीं। जब सही समय आया है और कालीन भैया गुड्डू और गोलू को एलिमिनेट कर चुके हो, तब शरद कालीन भैया पर पीठ पीछे से वार करके मिर्जापुर और जौनपुर दोनों का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। नंबर 2, बीना चाइल्ड। तो बीना का कैरेक्टर सीजन 2 में एक गेम चेंजर थी, ये तो हम सबको मानना ही पड़ेगा। और जैसे इस कैरेक्टर को डेवलप किया गया है वो लाजवाब था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीना के पास अभी भी कालीन भैया का ट्रस्ट है, तो वो ऐसे एक्ट करेगी जैसे कि उसको गुड्डू और गोलू के प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और अपने बच्चे को गद्दी पे बिठाने की कोशिश करती रहेगी। अब अगर उसके लिए गुड्डू और गोलू पर पीठ पीछे से वार भी करना पड़ा तब भी वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि बीना अपने बच्चे को फ्यूचर में गद्दी पर देखने के लिए लिटरली कुछ भी कर सकती है। अब बीना के बच्चों को लेकर एक और थ्योरी यह है कि जैसा कि बाबूजी ने बताया था कि त्रिपाठियों का बीज है लड़का ही होगा, और उसके रेस्पॉन्स में भी कालीन भैया ने कन्फर्मेशन किया था कि लड़का ही होगा, तो मैं बोलता हूँ कि वो लड़की है। अब आप पूछोगे कि क्यों, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो बीना अपने बच्चे पे स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी, और कालीन भैया ने उसे सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है। यहाँ तक कि मुन्ना जब बच्चे को अपने पास लेना चाहता है तब बीना उसे मना कर देती है। आइनो की शो के हिसाब से बीना को डर था कि मुन्ना कहीं बच्चे को मार ना दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीना किसी को भी ये मालूम नहीं चलने देगी कि बच्ची एक लड़की है जो कि आगे जाके गद्दी पे बैठेगी। अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो मज़ा तो आएगा ही। नंबर 3, छोटे का बिहार टेक ओवर। तो सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन से ये तो क्लियर है कि बरे और छोटे की गन बैटल में बरे की डेथ हो गई है, और छोटे प्रिटेंड कर रहा है कि वो ही बरे है और अब फ्यूचर में वो बरे के सारे रोल निभाएगा। अब आपको वो सीन तो याद ही होगा जब छोटे अपने भाभी के सामने बरे होने का एक्टिंग कर रहे थे, और भाभी को एक्चुअली पता भी नहीं चला था कि वो छोटे है। तो मैं श्योर हूँ कि कोई भी आसानी से ये पता नहीं लगा सकेगा कि वही छोटे है। अब छोटे भी मिर्जापुर के कैरेक्टर गुड्डू और मुन्ना जैसे ही है, जिनमें उनके पिता ज्यादा विश्वास नहीं रखते कि वो सही से कुछ कर सकते हैं। तो अब शायद वो फ्यूचर में अपने पिता दद्दा को मार के बिहार को अपने कंट्रोल में ले लेगा, और क्या पता गोलू से भी उसका दिल तोड़ने का बदला ले ले। नंबर 4, मकबूल की लॉयल्टी में बदलाव। देखो, मकबूल को जैसे त्रिपाठियों ने धोखा दिया उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इसी की वजह से उसने बाबूजी को भी मार दिया, लेकिन लॉयल्टी करना ही उसका एक जॉब है, तो मुझे लगता है कि वो गुड्डू के लिए लॉयल होगा और गुड्डू का राइट हैंड बनके काम करेगा। नंबर 5, गुड्डू और गोलू का कॉन्फ्लिक्ट। अब गुड्डू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने दिमाग का कभी भी इस्तेमाल नहीं करता, और दिमाग चलाने का काम उसने गोलू को सौंप रखा है, जो कि खुद अपने इंटरनल मैटर्स में हमें कंफ्यूज सी नजर आई, जिसके वजह से गुड्डू को मिर्जापुर संभालने में काफ़ी दिक्कत होगा। अब अगर आपको याद हो तो गोलू ने अपने पिता से कहा था बड़ी नहीं तो छोटी मिर्जापुर पर राज करेगी, और शायद फ्यूचर में गोलू ऐसा करने की कोशिश भी करेगी, जिसके वजह से गोलू और गुड्डू में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब एक और थॉट ये है कि शायद गुड्डू और शबनम ने एक बच्चे को कंसीव कर लिया है, और अब उस बच्चे का भी गद्दी पर उतना ही हक होगा जितना कि बीना के बच्चे का है, और इसके वजह से बीना और गुड्डू में भी एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट हो सकता है। नंबर 6, माधुरी द सीएम। माधुरी जो कि यूपी की सीएम है वो मुन्ना से प्यार तो करती थी, अब अगर मुन्ना सच में मर गया है तो डेफिनेटली माधुरी अपने हस्बैंड का बदला तो लेगी ही, और अपने पॉलिटिकल पावर से वो पूरी कोशिश करेगी कि गुड्डू को मिर्जापुर के गद्दी से हटाया जाए। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि माधुरी पेट से है, और तब मुन्ना और माधुरी के बच्चे का भी गद्दी पर हक होगा, जो कि एक इमीडिएट थ्रेट होगा बीना के लिए। नंबर 7, मदर ऑफ रॉबिन। अब पूरे सीजन में ही रॉबिन के कैरेक्टर को एक मिस्ट्री रखा गया है, जो कि एक थ्योरी के हिसाब से शरद का प्लांट किया हुआ आदमी है, और उसे शरद ने पंडित फैमिली में घुस के फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए भेजा है। लेकिन सवाल तो फिर भी यही है कि उसका माँ आखिर है कौन। अब एक थ्योरी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उसके हिसाब से रॉबिन मुन्ना का हाफ ब्रदर है मुन्ना के माँ के साइड से, जिसके बारे में मुन्ना काफ़ी तारीफ करता है, और नाना को गाली देने की वजह से मुन्ना ने चाचा को मार भी दिया। लेकिन थ्योरी इंटरेस्टिंग होने के बावजूद भी काफ़ी वीक लगता है, तो मैं तो यही मान के चलूँगा कि रॉबिन शरद का प्लान किया हुआ एक आदमी है। नंबर 8, मुन्ना जिंदा है। अब आप फिर से पूछोगे कि कैसे, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरी थ्योरी की ओर। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ। अब इसको लेकर मेरा पहला थॉट यही है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि शो को देखने के लिए काफ़ी सारे लोगों को पुल कर सकता है,
उसको शो के मेकर्स क्यों मारेंगे। अब ध्यान से सुनना, याद करो वो पहला सीन जब मुन्ना अपने ड्रीम में देखता है कि गुड्डू उसके गाड़ी को पलट देता है और वो पहाड़ से ऊपर आते बोलता है कि नहीं मरेंगे, जितना गोली मारोगे हम नहीं मरेंगे। और फिर सीन चेंज होता है और मुन्ना अपने राइट हैंड से बोलता है कि हिंदी फिल्म के हीरो है हम, हमें कोई नहीं मार सकता, हम अमर है। अब इस डायलॉग को कई बार शो में रिपीट किया गया है और मुझे लगता है कि इस बात में कोई तो सच्चाई होगी। अब मुझे नहीं पता कि हार्ट में गोली लगने के बाद लोग कैसे बचते हैं, या फिर हो सकता है कि मुन्ना का हार्ट लेफ्ट साइड में हो, जो कि नॉर्मली इंसानों में नहीं होता। तो इसके लिए भी मेरा एक खुद का थ्योरी है कि मुन्ना भैया एक एलियन है और एलियंस का हार्ट किस तरफ होता है वो हमें मालूम नहीं। कुछ भी। नंबर 9, गुड्डू द टाइम ट्रेवलर। हाँ, ये भी मेरा एक साइफाई थ्योरी है। तो सीजन 2 का वो पहला सीन जब गुड्डू मुन्ना को पहाड़ी से फेंक देता है और नेक्स्ट सीन में मुन्ना को बेड में दिखाया जाता है कालीन भैया के सर में बंदूक ताने हुए, जो कि ड्रीम जैसा ही लगता है। लेकिन एक और सवाल ये भी आता है कि शो के स्टार्ट में गुड्डू के पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और उस सीन में वो गाड़ी को पलटने के लिए खड़ा था, तो वो खड़ा कैसे था। अब अगर उस सीन को हम ड्रीम ना पकड़ के चले तो सिंपल थ्योरी यही है कि मुन्ना को एक बार मार के गुड्डू को मजा नहीं आया और मिर्जापुर के गद्दी वाले घर में उसको एक सीक्रेट जगह मिली जहाँ से वो ऑटोमेटिकली पास्ट के उस गाड़ी पलटने वाले सीन में पहुंच गया। अब इस थ्योरी के लिए आप मुझे कमेंट में गालियाँ दे सकते हो, आई वोंट माइंड। अब यही थे मिर्जापुर के कुछ थ्योरीज। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और इनमें से आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा पसंद आई उस बारे में भी मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे तो मेरा पर्सनल फेवरेट वो टाइम ट्रेवल वाला है। तो इसी के साथ मैं वीडियो से जुदा लेता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।